तो ये बोलेंगे कि यार उनने तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया। आप तो जानने वाले हैं, जो नए आदमी को मैं मना ही कर दे रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा। तो मैं बरसात में भीगता रहा, फिर भी कोई एक वीडियो बनाने वाला आया, उसको मना किया। माल कमी लाइन और आदमी के चक्कर में। अच्छा, क्या करें, थोड़ा सा तो लेट हो ही गया। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए। 12 बज रहे हैं। हाँ। वो ना ऐसा है ना, पहले यहाँ से सीधा रास्ता है, वो घूम के आना पड़ रहा है, फिर सारे वो पीछे जाके देखोगे पूरा रोड खराब है। अच्छा। ऊपर नीचे बड़ा हिसाब से चलना पड़ता है सर, यही मेरा टाइम खा जाता है जो मेरा आता हूँ। तो मनोज भाई, रात का काम अभी हुआ शुरू नहीं हो पाया? जी अभी घर वाले आए हैं, ठीक है, अब वो करना ही करना है, इसमें मुझे कुछ बच नहीं रहा है। अच्छा, कल किसी को, वैसे किसी ने मदद के लिए 4,000 रुपये मांगे, दे दिए उसको मैंने। अच्छा, आप जैसे भाई ने बोला था, उसके वाइफ की डिलीवरी थी तो गाँव भेजे हैं उसके, अब वो देखो क्या होता क्या नहीं। वापस आएंगे? अब आएंगे, आप जैसे किसी को जानता हूँ, मैं तो जानता नहीं, जैसे ये हैं इनको मैं जानता नहीं, आपको जानता, आपकी जबान पे दे दिए। तो मनोज भाई, काम वगैरह चल रहा है कुछ आजकल? तो देखो कॉम्पिटिशन हो गया, कॉम्पिटिशन अब वो भी आ गया, बट गया कस्टमर फिर। तो मतलब अब पहले जो था, पहले जैसा काम था वैसा काम नहीं रहा, तो अब तो रात का या फिर कहीं और करेंगे सर जी, करेंगे, जरूर करेंगे, वो तो करेंगे। अब यहाँ से किसी टाइम का टाइम टेबल तो बना लो, अगर यहाँ पे लापरवाही हो गया ना तो ये बोलेंगे कि यार उनने तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया, हजारों रुपए कमा लिया, वो घर बैठ के कमा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए भी लिख के डाल दिया अभी, वो बदरपुर का है, मैं दिखाऊंगा अभी इसमें होगा। कह रहा मनोज भाई पहले ये था, उसने पहले मेरे वाली ऐसी फोटो दिखाई जैसे शेफ नहीं करोड़पति होते, उसके अंदर वो दिखा दी उसने बना के, कमाल है यार। इसीलिए साहब मैंने 2-3 जगह बोल दिया, मैंने कहा जो भी बना सकते हैं, आप तो जानने वाले हैं, जो नए आदमी को मैं मना ही कर दे रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा। मनोज भाई, जो वो फालतू के फोन आते थे, परेशान करते थे, अब तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना, बंद हो गया काम। ये बड़ा फोन ले लिया किसी ने, आप जैसे भैया की दुकान है तो EMI पे, अब इससे भी इसमें अगर करेगा वो ना भी हो तो साला आ जा, किसी के भी फोन से करेगा, ये ले भाई रिकॉर्डिंग है। हाँ, ये देखो ना आपके सामने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बहुत बढ़िया करा आपने। मनोज भैया, जैसे अभी पिछले 3-4 दिन से बारिश चल रही थी, तो काम वगैरह कैसे चल रहा था? देखिए काम तो हल्का ही था, हल्का, परेशान भी था। 4 दिन में बरसात में अंकल से पूछो और 3-4 लोगों से पूछो, मैं बरसात में भीगता रहा, फिर भी कोई एक वीडियो बनाने वाला आया, उसको मना किया। मैंने वहाँ रखा था दुकान के, गुस्सा मालिक गुस्सा करने लग गए कि वहाँ मतलब माल लगा हुआ। उधर से प्रधान जी बोल रहे हैं मेरे को कि बेटा आप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँगा, बरसात हो रही है, दो एक जो माल बना हुआ है ख़राब भी हो गया माल सारा। तो किसी का पराठा का ऑर्डर था, मैंने अंदर रख के मैं उनको दिया, तो ये वीडियो बनाने वाला वहाँ भी पूछा, और कुछ मुँह से गुस्से में, मैं परेशान था, घर से अकेला था, वहाँ से पैदल चल के आया हूँ, पूरी बरसात में भीगता रहा, रात में सर्दी खांसी जुकाम भी हुआ, बुखार हुआ, हल्का सा टैबलेट लेके आया, तब फिर अगले दिन फिर आना था, सुबह 4 बजे का जागा हुआ था, सुबह से बरसात हो रही थी, वैसे ही परेशान था, वैसे ही परेशान था, मुँह से अगर कहीं गलत निकल गया सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उस टाइम के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुँह से कुछ गलत निकला, लेकिन उस लड़के को मैंने 4 बार बोला था कि आप वीडियो मत बनाओ, कस्टमर ने भी बोला था लेकिन नहीं माने, अपने उसके चक्कर में उन्होंने बना लिया। मैंने कहा बरसात रुकने तो तब बना लेंगे, वहाँ गया, थोड़ी सी बरसात हो रही थी, थोड़ी देर रुका, ले आया कैमरा, उसके उसमें नहीं था, फिर खड़े होकर वहाँ बनाने लगा। अच्छा, मना करने के बावजूद भी, तो इसीलिए सर मेरा मन टूट गया। हाँ जी, पहले भी काम नहीं है, कंपटीशन हो गया, चलिए काम तो लक होता है, लेकिन वो इंसान गलत है जिसने बरसात में नहीं अब देखा कि मजबूरी नहीं देखी है, मना भी कर रहा हूँ अगले को, मैं गुस्सा तो कर नहीं सकता था, बिल्कुल, और उसके बारे में उल्टा अगर मुंह से कुछ MCD आई हुई या कुछ गलत निकल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा, उसने केवल अपना मतलब देखा सर, और डाल दी वीडियो सर, जो मुझसे भी गलत निकला उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पब्लिक से, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत टेंशन में था, सुबह का जागा हुआ था, रात से 3 बजे से बरसात हो रही थी, पूरा दिन बरसात में भीगा हूँ, 3-4 दिन पहले से काम नहीं है, क्या पता अगर बीमार पड़ गया तो कौन जाएगा, घर से मैं अकेला, अगर कुछ हो भी जाए तो कोई उठा के ले जाने वाला भी नहीं था घर पे, लेकिन फिर भी उसने ऐसी मजबूरी का फायदा उठाया है, क्या बोलूं सर मैं उसे। इसीलिए मैंने सर वीडियो बनाने वाले के लिए कई लोगों को तो मैंने मना कर दिया, नए लोगों को, तो आपसे तो चलो पुरानी जान पहचान थी कि आप आ गए हैं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं सर, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। मनोज भाई, आज क्या लेके आए हो खाने में? सर रोटी है, बैंगन का भरता है, रोटी बैंगन का भरता, और सर वो है राजमा। आज दो सब्जी लेके आए हो? हाँ जी सर, ये देखिए सर, ये बैंगन का भरता बगैर प्याज के बनाया हुआ सर, बगैर प्याज के बनाया जबरदस्त, अभी तक भाप निकल रही है बिल्कुल गर्मा गर्म।
पूरे व्रत रहेंगे सर। अच्छा तो आप 9 के 9 दिन व्रत रखो? जैसे भी है सर, अब से नहीं हूँ मैं, 96 से रहता हूँ। तो 9 के 9 दिन व्रत रखोगे नवरात्रों में और फिर भी इतनी मतलब मेहनत कर लोगे? सर हो जाती है सर, आप भी तो आते हैं, आप भी तो 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, आपने भी तो पानी नहीं पिया। कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे आदमी की अगर आप मदद कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपके आपके शरीर को ताकत देगा। बिल्कुल सही बात है। एक बात जरूर कहूंगा, आदमी के पास पैसा नहीं है ना तो कोई गरीबी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गरीबी गरीबी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात। आप मेहनत की चोरी करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। वाई आर यू हंगरी भैया का चैनल है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत हम जैसे गरीब आदमी को इन लोगों का बहुत सहारा है। और इनके आगे जो भी चैनल है इनका, इनको जरूर सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़ाएं। और मेरे से जो गलती हुई है कल परसों की, जो भी मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं ऐसा आदमी हूं नहीं, लेकिन मैंने उन भैया को बहुत समझाया था कि भैया जी बरसात में आप वीडियो बना रहे हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस जी, आदमी के पास जितना दिमाग होगा उतना ही काम करेगा। मैं भैया से जो इनका चैनल वाई आर यू हंगरी के चैनल को इन भैया से सीखिए, कई लोग हैं सिखाते हैं, अगर बार बार गलती करेंगे, कुछ गलतियां ऐसी होती है माफ़ करने लायक नहीं होती है, बार बार गलती करेंगे तो आप इस फील्ड से ही बाहर हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो मैं, हाँ जी भैया जैसे सहन शक्ति आदमी है, बहुत अच्छे टाइम से कहने गए मेरे वेट कर रहे हैं, पहले भी आए घर भी आए ये मिलने के लिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया के लिए। जो चैनल है इनका सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, मेरे जैसे गरीब आदमी की कईयों की मदद कर चुके हैं और कईयों की आगे करेंगे। अगर आप चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो ये भैया करते रहेंगे। अभी देखिए 2.5 घंटे से खड़े हैं, मेरे आने से पहले खड़े हैं। थैंक यू भैया, आप लोगों का प्यार है जब भी हम यहाँ आ पाते। ठीक है, थैंक यू भैया, नमस्कार भैया।